गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे अंकुश को डिस्चार्ज किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो अंकुश के हाथ में जो कैनोला लगा था ना, तो खोलने के बाद अंकुश हाथ नीचे कर लिया था, उस वजह से बहुत सारा ब्लड जो है कि गिरा था अंकुश के हाथ से। तो यहाँ पे आंटी है, दो आंटी से हमें बहुत लगाव थी, दोनों हमें बहुत काफ़ी प्यार करती थी और हमारे अंकुश से भी। और ये आंटी इलाहाबाद की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे रहती है आंटी, बहुत अच्छी है। हमें तो एहसास ही नहीं होने दिया कि मेरे बेटे का तबीयत ख़राब है, बात करती थी बहुत अच्छे से, हमेशा हाल समाचार खाना पीना के बारे में पूछते ही रहती थी। और जो भी है पीलिया का दवाई, तो दोनों आंटी हमेशा बताते ही रहती थी, बहुत अच्छी आंटी थी और हमारा वीडियो भी देखती थी हॉस्पिटल में ही आंटी। तो यहाँ पे हम सामान सब बाहर ले आए हैं और अंकुश के पापा को भी हम फ़ोन कर दिए थे, तो वो भी आ गए हैं। और अंकुश बहुत खुश है घर जाने के लिए। ऐसे तो हम अंकुश को घर लाते थे तो वो फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो इसीलिए वो खुश नहीं रहता था, क्योंकि हॉस्पिटल में तो हर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अंकुश को हमेशा हमेशा बोलता था कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा हॉस्पिटल। लेकिन आज डिस्चार्ज हो गया है, तो आज बहुत खुश है वो घर आने के लिए। और ये है यानी कि हमको 27 तारीख को डिस्चार्ज किए थे और हम 17 तारीख को अंकुश को एडमिट किए थे और 27 तारीख को रात में डिस्चार्ज किए। तो शुक्रवार था और ये सुबह हो गई है 28 तारीख। तो 28 तारीख को यहाँ पे सुबह शनिवार था, तो हम बच्चों का कपड़ा और जो हॉस्पिटल से हम लाए थे थैला वगैरह जितना भी था ब्लैंकेट सबको हम धो दिए। और आज ज़्यादा ही काम हो गया था मेरे घर में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं 10-12 दिन से घर में बस खाना बनाने के लिए हम आते थे और बाकी बाद हॉस्पिटल में ही अंकुश के साथ में हम बिताते थे। तो घर का क्या हाल हो सकता है फ्रेंड्स। और इतना सारा काम करने के बाद ना हमें फीवर सी लग रही थी, सर में भी काफ़ी तेज थी। तो यहाँ पे धूप में हम बैठे थे धूप में, और यहाँ पे अंकुश के पापा चना झाड़ खरीदे थे और बैर देखिए पता नहीं कब ला कर के रखे थे बैर, तो बच्चे लोग नहीं खाते हैं, बैर रखा हुआ ही था। तो अंकुश के पापा लेके आए थे किलो बैर, तो मीठा ही था, और चना झाड़ आए थे बेचने के लिए तो वो खरीद लिए हैं। काफ़ी दिनों के बाद हम दोनों यहाँ अपने बाड़े में आकर के बैठे हैं धूप में और बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो यहाँ पे ना आज इतना ज़्यादा काम हो गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या काम करें क्या ना करें। और ना हमें थोड़ी सी तबीयत इस वजह से बिगड़ गई थी कि अंकुश का जो उतना सारा ब्लड गिर गया था ना, तो उस वजह से और हमें उसी टाइम से अच्छा नहीं लग रहा था। और ये हो गई है शाम का टाइम, मार्केट से हम और अंकुश के पापा लाए थे लाल भाजी मूली, तो अभी भाजी वगैरह ना ज़्यादा ही आती है अंकुश के लिए और फ्रूट। तो घर मेरा आप देख सकते हैं कैसे पूरा घर मेरा फैला हुआ रहता है। तो इस साइकिल पे इतना सारा कपड़ा आज धोए थे तो नहीं सूखा था, और आप चप्पल देख सकते हैं, हमें तो भगवान ने इतना चारों तरफ से परेशान करके रखे हैं। एक तो डॉगी ना चप्पल अगर आप गेट के पास खोलिएगा तो वो तुरंत उठा के लेके चले जाते हैं। अंकुश के पापा का चप्पल, मेरा, लक्ष्मी का, सभी का चप्पल काट डाला, तो फिर नया नया चप्पल हम बच्चों को दिए हैं। और ये दिन का ही खाना बचा हुआ है, और अभी हम खाना भी नहीं बनाएंगे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो यहाँ पे मैं देखिए खा रही हूँ दही चूड़ा और तिलवा खा रही हूँ। तो तिलवा तिलकुट भी बचा हुआ है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद तो अंकुश का तबीयत ही ख़राब हो गया था, इस वजह से रखा है तिलवा और तिलकुट। तो तिलवा बच्चे लोग नहीं खाते हैं, रखा हुआ रह जाता है, तो यहाँ पे मैं और अंकुश के पापा खा रहे हैं। और शनिवार था तो बिना हल्दी वाला खिचड़ी हम बनाए थे मूंग दाल की, अंकुश के लिए, सबके लिए हम खिचड़ी ही बनाए थे। तो अभी वही खिचड़ी गरम करके बच्चों को हम खिला दिए हैं और दही चूड़ा।
हम थोड़ा सा खा लेंगे और अंकुश के पापा। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी।